हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात करी थी। इसी को वापस से आज थोड़ा रिवाइज्ड करते हुए एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। वास्तव में जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अर्थात माल की सप्लाई जहाँ जाके समाप्त हो रही है उस स्टेट का यह रेवेन्यू माना जाता है। इसीलिए ये प्लेस ऑफ सप्लाई की इंपॉर्टेंस है कि माल जिस राज्य में जाके अल्टीमेटली प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो रहा है, आदेश देने वाले को प्राप्त हो रहा है, वो राज्य और माल सप्लाई करने वाला राज्य जिसने माल सप्लाई किया है, मीन्स सप्लायर और रिसेप्शनिस्ट, यदि एक ही स्टेट में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी। लेकिन सप्लायर का स्थान और आदेश देने वाले का स्थान अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में है तो आईजीएसटी लगेगा। अनेक इसके संबंध में नियम है, मैंने सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। इस तरह से जगह का निर्धारण की अपना एक महत्व है। आपके सामने चार तरह की कंडीशंस हो सकती है। जो माल हम भेज रहे हैं वो चार तरह से भेजा जा सकता है। ऐसे सप्लाई जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स आवश्यक हो, अर्थात माल ट्रांसफर करने के दौरान एक जैसे जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, सप्लायर से रिसीवर को प्राप्त होने के लिए माल का मूवमेंट आवश्यक हो, तो फिर मूवमेंट समाप्त कहाँ होगा उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि कौन सा टैक्स लगेगा। दूसरी कंडीशन होती है ऐसे माल की सप्लाई जिसमें मूवमेंट आवश्यक नहीं हो, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, माल जहां है वहीं रहेगा, केवल ओनर बदल रहा है, तो इस कंडीशन में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निर्धारित करेंगे। तीसरी कंडीशन आती है गुड सप्लाई ऑन वेसल और कन्वेंस, किसी वाहन पर, किसी साधन पर, यात्रा के साधन पर यदि माल की सप्लाई की जाए, से सप्लाई की जाए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, कैसे निर्धारित करेंगे, और यदि माल का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई का निर्धारण कैसे किया जाएगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इसके संबंध में सभी के संबंध में नियम बने हुए हैं। नियम वापस मैं दोहरा देता हूं, आपको पहले भी बता चुका हूं। ऐसे माल की सप्लाई जिसमें माल का मूवमेंट आवश्यक हो, तो क्या होगा, माल के जब मूवमेंट आवश्यक है तो किसी भी माल के मूवमेंट के लिए, ट्रांसफर के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए दो पक्ष होते हैं, आदेश देने वाला और माल की सप्लाई करने वाला। तो इन दोनों की लोकेशन क्या है, इन दोनों की जो रजिस्टर्ड लोकेशन है उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। लिखा है इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और रिसेप्शनिस्ट और एनी अदर पर्सन। माल सप्लायर उसको लोड करके परचेजर के यहां भेजे, या खुद परचेजर या रिसेप्शनिस्ट सप्लायर से माल लेके स्वयं लेके जाए अपने स्थान पर, इन दोनों ही स्थितियों में एक समान नियम होंगे। नियम क्या है, लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसेप्शनिस्ट, वह स्थान प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पर रिसेप्शनिस्ट को माल डिलीवर होगा, अर्थात रिसेप्शनिस्ट के पास माल पहुंचेगा। और रिसेप्शनिस्ट का को माल कहाँ पहुंचेगा, कहाँ मंगाएगा, वो जहां उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। सप्लायर माल कहाँ से भेजेगा, जहां उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्लेस ऑफ बिजनेस जो सप्लायर का है वो माल
प्लेस ऑफ रिसेप्शनिस्ट या ऑर्डर देने वाले के जो बिजनेस प्लेस है उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि माल सप्लायर से रवाना होके रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच रहा है, तो दोनों के स्टेट कौन से हैं उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा CGST SGST लगेगा या IGST लगेगा। अगर दोनों ही स्थान अलग अलग जगह हैं तो IGST। इसी में एक और नियम बताया कि यदि गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सेलर टू ए रिसेप्शनिस्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, एक स्थिति आपके सामने और आ सकती है। एक्स आदेश देने वाला व्यक्ति है, वाई सप्लायर है, एक्स ने वाई को आदेश दिया कि हमको ये माल चाहिए, लेकिन आप इस माल को मिस्टर पी को सप्लाई करते हैं। एक्स आदेश देने वाला, वाई सप्लायर है, तो वाई ने क्या किया, माल को पैक करके मिस्टर पी के पास भेज दिया। ये कहलाता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पर्सन। अब माल का वास्तविक प्राप्तकर्ता कौन है, मिस्टर पी। माल का आदेश देने वाला कौन है, वाई। और माल का आदेश देने वाला एक्स, माल का सप्लायर वाई। अब हम तीन पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो गई, सप्लायर, ऑर्डर देने वाला व्यक्ति और माल को वास्तव में प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इस कंडीशन में प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए जो वास्तव में माल प्राप्त कर रहा है उसको उसके स्थान को नहीं गिना जाएगा। जिस व्यक्ति ने आदेश दिया है उस व्यक्ति का बिजनेस प्लेस कौन सा है वहां पर सप्लाई किया हुआ माना जाएगा। मान लीजिए राजस्थान के आर ने आदेश दिया यूपी के यू को और उसने कहा कि माल की सप्लाई आप हमारे अहमदाबाद के व्यक्ति को दे दें, तो तीन पार्टी इन्वॉल्व हो गई। तो हमको क्या ध्यान रखना है, माल एक्चुअल में किसने प्राप्त किया है उसका ध्यान नहीं रखना है, आदेश देने वाला और सप्लायर इन दोनों के स्टेट कौन कौन से हैं। अगर एक ही है तो CGST SGST लगेगा, अगर दोनों के स्टेट्स अलग अलग हैं तो IGST लगेगा। इस बात को ध्यान में नहीं रखना है कि माल एक्चुअल में कहां गया। इसके लिए एक सेकंड डीड और मान ली जाएगी जो तीसरे पक्ष और रिसीवर के बीच में होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। पहला एग्जांपल दिया इन्होंने इंट्रास्टेट सेल के लिए, मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र सेल 10 टीवीज टू विजय ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। माल का आदेश देने वाला और माल प्राप्त करने वाला और माल सप्लाई करने वाला, मिस्टर राज कौन है, उसने माल टीवी बेचे, खरीददार कौन है, विजय नागपुर महाराष्ट्र का, दोनों का स्टेट एक ही है, माल खरीदने वाला और माल बेचने वाले का, तो इंटरस्टेट सेल मानी जाएगी और CGST SGST लगेगा। सेकंड एग्जांपल में बताया कि यदि मिस्टर राज मुंबई महाराष्ट्र ने 30 टीवी बेचे मिस्टर विनोद बैंगलोर कर्नाटक को, तो यह सेल कौन सी कहलाएगी, यह सेल कहलाएगी इंटरस्टेट सेल। इनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कर्नाटक बैंगलोर, और माल बेचने वाले का स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र, तो ये दो अलग स्टेट हो गए, तो हम कहेंगे ये इंटर स्टेट सेल कहलाएगी और IGST टैक्सेस में लगेगा। तीसरा एग्जांपल दिया है डिलीवर टू थर्ड पार्टी, मिस्टर आनंद इन लखनऊ बाय गुड्स फ्रॉम मिस्टर राज इन मुंबई। माल बेचने वाला कौन है, सप्लायर कौन है, मिस्टर राज, खरीदने वाले का कौन है, जिसने आदेश दिया है, आनंद लखनऊ का। द बायर रिक्वेस्ट द सेलर टू सेंड द गुड्स टू नागपुर महाराष्ट्र।
चलिए सर, अब यहाँ तीन पार्टियाँ हो गई, मिस्टर आनंद लखनऊ का माल खरीद रहा है, मिस्टर राज मुंबई का है माल बेच रहा है, और माल की डिलीवरी कहाँ देनी है, महाराष्ट्र नागपुर को देनी है। माल बेचने वाला, माल रवाना करने वाला महाराष्ट्र का है, माल का एक्चुअल रिसेप्शनिस्ट नागपुर महाराष्ट्र का, दोनों एक ही स्टेट है, लेकिन खरीदने वाला जिसने आदेश दिया है और जिसने माल बेचा है, जो माल सप्लाई कर रहा है और जिसने आदेश दिया है परचेजर, ये दोनों अलग अलग स्टेट के। मिस्टर आनंद लखनऊ यूपी का है, मिस्टर राज मुंबई महाराष्ट्र का है, आदेश देने वाला और माल की सप्लाई करने वाला दोनों अलग अलग स्टेट में हैं, इसलिए IGST लगेगा। चाहे माल की रवानगी महाराष्ट्र से हुई हो और माल की रवानगी की समाप्ति नागपुर महाराष्ट्र में हुई हो, लेकिन क्योंकि आदेश देने वाला व्यक्ति और माल सप्लाई करने वाला व्यक्ति का स्टेट अलग अलग है, इस कारण IGST लगेगा। इसमें एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट और है। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है सेकंड कॉन्ट्रैक्ट? मिस्टर लखनऊ के आनंद ने, मिस्टर आनंद इन लखनऊ ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था नागपुर के व्यक्ति से कि भाई हम आपको माल सप्लाई कर देंगे जो मैं माल मुंबई से मंगा रहा हूं, तो ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और अब इस सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में सेलर या सप्लायर कौन माना जाएगा? मिस्टर आनंद लखनऊ का, और आदेश देने वाला व्यक्ति कौन कहलाएगा? नागपुर का व्यक्ति जिसने एक्चुअल में माल प्राप्त किया। तो ये एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि इसमें कौन सा टैक्स लगेगा। इसमें स्पष्ट किया प्लेस ऑफ सप्लाई लखनऊ मानी जाएगी क्योंकि आदेश देने वाला व्यक्ति लखनऊ का है, और चूंकि दो अलग अलग स्टेट हैं इसलिए IGST लगेगा। इसको एक डायग्राम के साथ दिखाया मैंने, सेलर महाराष्ट्र का है, बायर यूपी लखनऊ का है, इसने इंस्ट्रक्शन दिया महाराष्ट्र के सेलर को कि आप हमें माल दीजिए और माल की सप्लाई महाराष्ट्र की किसी पार्टी को कर दीजिए जिसका नाम वो बताता है। तो सेलर ने माल को एक्चुअली इस थर्ड पार्टी को सप्लाई कर दिया एज पर इंस्ट्रक्शन, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या माना जाएगा? डीम्ड टू बी डिलीवर्ड टू बायर एट यूपी, माल की डिलीवरी एक्चुअल में तो हुई है महाराष्ट्र के थर्ड पार्टी दूसरे पर्सन को, लेकिन क्या माना जाएगा इस एग्रीमेंट में कि माल वास्तव में यूपी बायर को ही सप्लाई किया गया है, और चूंकि महाराष्ट्र और यूपी अलग अलग स्टेट हैं इसलिए IGST लगेगा। अब एक और एग्जांपल दिया है, रिसीवर टेक गुड्स ऑन एक्स फैक्ट्री, मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र गेट एन ऑर्डर ऑफ 100 टीवी सेट्स फ्रॉम सेल ऑफ हेवन लिमिटेड ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। माल बेचने वाला मिस्टर राज मुंबई का है, माल खरीदने वाला व्यक्ति चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु के व्यापारी ने अपने ही ट्रांसपोर्ट से मुंबई में माल प्राप्त करके, फैक्ट्री से माल प्राप्त करके चेन्नई ले गया। माल उसने राज की फैक्ट्री से माल प्राप्त कर लिया और खुद के साधन से चेन्नई ले गया। अब एक्चुअल में माल परचेजर ने महाराष्ट्र में ही प्राप्त कर लिया था, लेकिन स्वयं उस माल को लेके चेन्नई गया, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु चेन्नई मानी जाएगी और IGST लगेगा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है
एक्ट में स्पष्ट कहा गया है कि माल का मूवमेंट जो हो रहा है वो चाहे सप्लायर करे परचेजर के पास भेजने के लिए, या परचेजर खुद माल प्राप्त करके स्वयं मूवमेंट करते हुए अपने बिजनेस प्लेस पे ले जाए, दोनों ही स्थितियों में माल अल्टीमेटली परचेजर के पास पहुंचा है, उसका अपना स्टेट कौन सा है उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा टैक्स लगेगा। एक डायग्राम के साथ बताया कि महाराष्ट्र में ही सेलर ने बायर को माल सौंप दिया और बायर अपने साधन से अपने प्लेस पर ले गया चेन्नई, तो फिर कौन सा टैक्स लगेगा? IGST लगेगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र है और ये चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल दिया ई कॉमर्स सेल। आजकल ई कॉमर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, ई कॉमर्स के आधार पर बहुत सारा माल खरीदा बेचा जाता है, तो यहां भी इस बात को हमें को ध्यान रखना है कि कैसे इसका निर्धारित किया जाएगा। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, मिस्टर राज मुंबई महाराष्ट्र ऑर्डर ए मोबाइल फ्रॉम अमेजन टू द डिलीवर्ड हिज मदर इन लखनऊ। राज ने ऑर्डर क्या दिया कि उसे एक मोबाइल खरीदना है और उसकी डिलीवरी उसके मदर को लखनऊ करनी है। मिस्टर राज के ऑर्डर के अनुसार मैसर्स ABC ऑनलाइन सेलर रजिस्टर्ड इन गुजरात, माल अमेजन ने ऑर्डर को रेफर किसको किया? गुजरात के मिस्टर मैसर्स ABC को। तो मैसर्स ABC ने उस ऑर्डर को प्रोसेस किया और सेंड टू द मोबाइल अकॉर्डिंगली टू मिस्टर राज मदर, और अमेजन ने उसके अनुसार बिल मिस्टर राज को भेज दिया। अब यहां पर तीन पार्टी हो गई, मिस्टर राज जिसने ऑर्डर दिया महाराष्ट्र, मोबाइल की सप्लाई करने वाला कौन है? मैसर्स ABC जो गुजरात का है, और माल की प्राप्ति हुई है मिस्टर राज के मदर को जो कि लखनऊ की है। तो एक्चुअल में माल प्राप्त किसने किया इट डजेंट मैटर, क्योंकि थर्ड पार्टी हो गई, माल का आदेश देने वाला मिस्टर राज परचेजर, उसका स्टेट महाराष्ट्र, माल की सप्लाई करने वाला मैसर्स ABC गुजरात का। तो ये दो स्टेट महत्वपूर्ण हुए, माल का आदेश देने वाला और माल की सप्लाई करने वाला, दोनों अलग अलग स्टेट हैं इसलिए IGST लगेगा। अब एग्जाम्पल और आपके सामने है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। यदि गुड्स का मूवमेंट नहीं हो, माल सप्लायर रिसेप्शनिस्ट को ऑर्डर देने वाले को जो माल देता है उसमें सप्लाई नहीं हो रही है, सॉरी उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, माल जहां पड़ा है जहां तैयार हुआ है वहीं उसको सप्लाई करनी है, तो ऐसी स्थिति में लोकेशन क्या होगी? इसके लिए नियम बताया है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स आइदर बाय सप्लायर और रिसेप्शनिस्ट, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसेप्शनिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। माल जहां है माल वहीं रहेगा, केवल ऑनरशिप चेंज हो रही है। पहले ओनरशिप किसकी थी? सप्लायर की। अब ओनरशिप किसकी हो जाएगी? बायर की। तो ऐसी स्थिति में लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? जिस जगह वो माल पड़ा हुआ है, जहां माल की ओनरशिप चेंज हो रही है, माल जहां ओनरशिप चेंज करते समय स्थित है और आगे भी वहीं रहेगा, तो माल के सप्लाई का स्थान वही होगा जहां माल पड़ा हुआ है। इसी तरह से आगे और क्लियर किया है, द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। यदि किसी ने ऑर्डर दिया कि हमको ये मशीन यहां स्थापित करके दे दी है, हमारी फैक्ट्री में इसको इंस्टॉल करना है,
सप्लाई देने वाले व्यक्ति ने क्या करा, मशीन के अलग अलग पार्ट लाया, परचेजर की फैक्ट्री में उसको इंस्टॉल किया, उसको सेट किया, असेंबल्ड किया और मशीन चालू करके बता दी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वह स्थान जहां उस मशीन को असेंबल किया या इंस्टॉल किया है, वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। एग्जांपल दिया है, चेन्नई के एक व्यापारी सेल्स हेवन ने एक नया शोरूम, ओपन ए न्यू शोरूम इन बैंगलोर। चेन्नई के व्यापारी ने बैंगलोर में नया शोरूम खोला और इस शोरूम को, इट परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम शोरूम फ्रॉम एबीसी रीजन बैंगलोर अलोंग विथ प्री इंस्टॉल्ड वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन के साथ वो शोरूम चेन्नई के व्यापारी ने बैंगलोर में खरीदा और ऑलरेडी वहां स्टॉपेज था, उसको बैंगलोर के व्यापारी से ले लिया। अब खरीदने वाला कौन है, चेन्नई का व्यापारी, कोई बात नहीं। माल उसको कहाँ मिला है, वर्क स्टेशन उसको बैंगलोर में ही स्थापित था, उसको वहीं मिला, वो हट नहीं सकता, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, बैंगलोर कर्नाटक माना जाएगा। अब टैक्स कौन सा लगेगा, क्योंकि नो मूवमेंट ऑफ टैक्स, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो सप्लाई का स्थान बैंगलोर, खरीदने वाला चेन्नई का, इस कारण टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन क्योंकि इस माल पर, बिल्डिंग और उसके पार्ट पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी कुछ भी नहीं लगता है, इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और चूंकि अगर मान लो लगता, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कर्नाटक बैंगलोर, और सप्लायर कहां का है, वो भी बैंगलोर का है, तो फिर हम क्या कहेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा यदि लगता तो। क्योंकि मूवमेंट नहीं है, इसलिए परचेजर, आदेश देने वाले का स्थान कौन सा है, इट डजंट मैटर, माल की सप्लाई कहां हुई है और सप्लायर कहां का है, इसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। और ये इंटरस्टेट सेल मानी जाएगी और सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा यदि इस पर टैक्स लगता तो। दूसरा एग्जांपल, आयरन एंड स्टील झारखंड के एक व्यापारी ने आस्क मेसर सार्स कंस्ट्रक्शन वेस्ट बंगाल टू बिल्ड ए ब्लास्ट फर्नीचर इन देयर झारखंड स्टील प्लांट। अब वेस्ट बंगाल की पार्टी है सप्लायर, खरीदने वाला कौन है, झारखंड का व्यापारी, और उसने ये कहा, क्या कहा है कि झारखंड के उनके स्टील प्लांट पर कंस्ट्रक्शन करें, तैयार करें, और ये तैयार करके वहीं रहना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, झारखंड, और झारखंड होने से कौन सा टैक्स लगेगा, खरीदने वाला झारखंड का, प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। क्यों, इसके पीछे एक कारण है, इसके पीछे कारण यह है कि ये उसको, क्योंकि उसने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम झारखंड में आके किया है, तो उसे झारखंड में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चाहे वो उसके लिए टेम्प्ररी रजिस्ट्रेशन कराए या परमानेंट रजिस्ट्रेशन कराए। टेम्प्ररी अगर कराते हो तो 90 दिन के लिए वैलिड होगा, और चूंकि उसका रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर झारखंड का ही है और खरीदने वाला जहां प्लेस ऑफ सप्लाई निर्धारित हुई है, दोनों एक स्टेट हो गई, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा।
आगे आपको बात आती है गुड्स ऑफ सप्लाइड ऑन अ वेसल और कन्वेंस, तथा एक और पॉइंट बचता है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। इसको भी आप एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए। टैक्स इन सब का स्टडी का एकमात्र पर्पज है कि टैक्स CGST SGST लगेगा या IGST लगेगा। सप्लायर का स्थान और ऑर्डर देने वाले का स्थान, खरीदार का स्थान, यदि दोनों एक ही स्टेट हैं तो CGST SGST लगेगा। यदि ये दोनों स्थान अलग अलग स्टेट में हैं तो IGST लगेगा। जब मूवमेंट नहीं हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसी जगह होगी जहां माल पड़ा है, तो उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा टैक्स लगेगा। थैंक यू। नेक्स्ट में अगर और आगे हम बात करें।